हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सरकार ने बस किराया बढ़ाकर जनता को कोरोना काल में एक बड़ा झटका दिया। इस बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत 38 एम्बुलेंसों को बदलने की मंजूरी दी। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के कारण फंड की कमी को देखते हुए राज्य में बस किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। निर्णय के अनुसार वर्तमान किराए में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। 3 किलोमीटर की यात्रा के लिए 5 रुपए के बजाय अब 7 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। इसके अलावा विधायक और मंत्री बस में मुफ्त में सफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि पूर्व विधायकों के लिए ये सुविधा पहले की भांति ही रहेगी। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जो करीब 3 बजे तक चली। इसके बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस को कैबिनेट के निर्णयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तर्क दिया कि मंत्रिमंडल किराया बढ़ाने के हक में नहीं था, लेकिन डीजल के दाम बढ़े हैं व कोरोना वायरस के कारण बसों में सवारियों की भी कमी है। इस कारण सरकार ने HRTC और परिवहन विभाग को किराया बढ़ाने की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार प्रयासरत है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में अभियोजन विभाग में अनुबंध आधार पर JOA IT के 3 पद भरे जाएंगे। प्रदेश में शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के लिए शिक्षा विभाग में सहायक लाइब्रेरियन के 771 रिक्त पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले 34 EGS प्रशिक्षकों को ग्रामीण विद्या उपसकों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाकन में लोअर तरेडी में नया सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया।